नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल योर न्यू डायरेक्शन में। PTET 2020 भर्ती के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, यह भर्ती 10 मई को प्रस्तावित थी, लेकिन अब इस भर्ती की जो परीक्षा है वो फिलहाल नहीं होने वाली है। जी हाँ, परीक्षा की जो तारीख है वो बदल दी गई है। 10 मई की जो परीक्षा तारीख है उसे बदलकर नई परीक्षा तिथि के रूप में परिवर्तित किया गया है। साथ ही साथ विभाग द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया है कि अभी तक कितने फॉर्म इस भर्ती के लिए भरे गए हैं। तो इन सभी के जवाब इस छोटे से वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि सही जानकारी आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले। ऑफिशियल वेबसाइट आप देख पा रहे हैं, PTETDCV2020.com की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये नोटिस दिख रहा है जो जारी किया गया है कल की तारीख में। PTET BA BSc BEd एग्जाम 2020 के लिए यह ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है। हम इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने ये ऑफिशियल नोटिस ओपन होता है और आप देखेंगे कि 26 अप्रैल 2020 को ये प्रेस विज्ञप्ति निकाली गई है। फिर यहाँ पर जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अपडेट मिलेगी आपको। 10 मई 2020 को होने वाली PTET 2020 परीक्षा आगामी आदेश तक स्थगित की, नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी, यहाँ पर यह बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि यहाँ पर देखेंगे इस प्रवेश परीक्षा हेतु बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको बताया गया है 327,270 आवेदन एवं बीए बीएड बीएससी बीएड 4 वर्षीय के लिए अभी तक 153,696 आवेदन अर्थात कुल 480,926 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि कोरोना संकट एवं लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए 10 मई 2020 को होने वाली PTET 2020 की आगामी परीक्षा आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है और इसकी जो नई परीक्षा की तारीख है वह इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर www.ptetdcdb.2020.com पर जल्द ही अपडेट की जाएगी। यहां से आपको पूरी जानकारी जैसे ही नई तारीखें की जाएंगी इस पर आपको सूचित किया जाएगा।